Hello everyone, welcome back to my channel. फॉर डेज वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू हाउ टू मतलब हम लोग कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं चीजों को, कैसे रखते हैं। वैसे तो हमारे सारे रूम इतने क्लीन नहीं रहते हैं, कॉज दीदी और मैं ही गंदा तेरा नाम नहीं लूंगी सॉरी ओके तो मैं ही गंदा करती हूँ और पापा भी बहुत ज्यादा वो है कि कुछ पेपर में लिखा कुछ हिसाब मतलब जो करते हैं कुछ उसके बाद वही पेपर फोल्ड करके वहां पे नीचे फेंक के चले जाते हैं। मैं भी सेम हूँ, सो इसलिए या सो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि आज दीदी का रूम हम लोग क्लीन करेंगे, बट मुझे पढ़ाई भी करनी है बिकॉज 25 से हमारा एग्जाम है और 20 से और एक एग्जाम है, मतलब सेकेंड यूनिट है 25 अगस्त से और 20 सितंबर से हमारा हाफ ईयरली एग्जाम। सो पढ़ाई भी करनी है बट सब कुछ करना पड़ेगा ना मैनेज। ओके सो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। होप कि आप लोगों को कुछ आइडिया मिले मतलब हमसे अगर कुछ ऑर्गेनाइज का ये सब। या लेट्स बिगिन। सो गाइस फिलहाल ये रूम कुछ इस तरीके का हो रखा है, देखो कपड़े वगैरह और ये दीदी ये सब सामान ठीक कर रही है। सो गाइस हमने सब कुछ बिछा लिया है एंड नाउ कैमरा पकड़ के रखना ओके। सो नाउ वी आर गोइंग टू क्लीन मतलब इन सब को ऑर्गेनाइज करने में हम अभी हम लोग करेंगे। सो हमने शॉपिंग की थी जो ये सब चीजें अभी इन सबको ही पहले ठीक करेंगे, मतलब बॉक्स में जो जो रखना है वो सब ठीक करेंगे पहले, उसके बाद बाकियों में चलेंगे। एंड या सो शॉपिंग ब्लॉग भी बहुत जल्द आएगा आई थिंक। सो गाइस शायद मैं नहीं दिख रही हूँ ओके। सो गाइस चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। मैं जल्दी जल्दी दिखाऊंगी, ज्यादा बकबक नहीं करूंगी, देखते चलिए। Thank you.
गाइस मेकअप और स्टेशनरी वगैरह हो गया है, नाउ आई एम गोइंग टू, मैं अभी मतलब पापा के जो जो चीजें हैं कोई दवाई वगैरह, उसके बाद क्रीम वगैरह, और पापा के यहाँ पे रेगिस्तान पे एक भी पेड़ नहीं उगा है, फिर भी उनको कंघी करनी है। आप लोग समझ गए होंगे क्या बोल रही हूँ मैं, सो इसलिए बट उसको उनको कंघी करनी ही करनी है, सो इसलिए वो सब भी हम लोग साथ में रखेंगे। ये मेरे टाइगर का पाउडर है, तुम पापा के साथ क्यों रख रहे हो? A few moments later. मैंने बहुत दिनों से दालगोना कॉफ़ी वगैरह नहीं बनाई हूँ, सो सोच रही हूँ कि अभी बनाओ और खाओ, बहुत दिनों से नहीं खाया। तो बाकी मम्मी दीदी ये सब चाय पियेंगे, मैं दालगोना कॉफ़ी खाऊंगी सोच रही हूँ, पता नहीं। मामा कॉफ़ी खाऊंगी सुन लिया, बोल रही है कि कॉफ़ी खाने से ये हेयर वगैरह झड़ते हैं, सो इसलिए मैं खाने की, मुझे बहुत पसंद है कॉफ़ी खाना, बट नहीं देते हैं। अब इसे नहीं खाना चाहिए, कॉफ़ी वगैरह अच्छा नहीं होता है। ओके सो यही एंड कॉफ़ी को खाने का ना बहुत सी मतलब चीज़ है कि दूध के साथ खाना ये, बट अगर आप वाटर के साथ खाते हैं नॉर्मल वगैरह खट्टा वाला अच्छा नहीं लगता, खट्टा नहीं गाढ़ा होता है टेस्ट, सो बट उसको ऐसे खाने से नींद नहीं आती। तो अगर आप कोई फाइनल एग्जाम दे रहे हो तो आप रात को खा लेना, नींद बिल्कुल नहीं आएगी। मैंने यूट्यूब पे देखा है, अभी तक ट्राई नहीं किया। ओके सो भूत लग रही थी, सो गाइस अभी बज रहा है 6:06, मैं नहाने गई थी। आप लोग सोच सकते हो कैसी लड़की हूँ, मतलब ओके लाइट ऑन कर देती हूँ मैं, इसलिए बहुत ज़्यादा कम रोशनी आ रही है, ठीक है। सो गाइस क्या हुआ था, मतलब इतना ज़्यादा काम किया ना मैंने आज, क्या बोलो, और आज मैंने मोबाइल भी ज़्यादा नहीं देखा, तो आज मुझे मम्मी से डांट नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब मम्मी से डांट पड़ती है तो उनको एक टॉपिक चाहिए, तो इसलिए आज का कोई टॉपिक नहीं है, इसलिए मुझे डांट नहीं पड़ेगी। आई एम सो मच हैप्पी अनुष्का। ओके सो चलिए देखते जाइए अभी दीदी क्या कर रही है। दीदी मैं अभी अपने हेयर्स को सेट कर रही हूँ, कल विशाल से ये भी लाया था कॉस ऐसे हेयर्स के लिए सेट करने के लिए, ऐसे कंघी चाहिए, सो ये ले आई थी मैं। हाँ ना ये तो मेरी नौकरी जस देखा बार ऐसे जस देखा बार ऐसे। सो दीदी बना रही है पिज्जा, पिज्जा बेस रेडी है, बस उसके ऊपर टॉपिंग वगैरह डालना बाकी है। ये आटे का पिज्जा बनाई है आज, बस मैदा नहीं है, सच्चाई बोलनी पड़ेगी, ये नहीं बोलूंगी कि मैदा कि क्या आता है हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा है, ये नहीं है, मैदा नहीं है घर पे, इसलिए आटे से बना रही है आज। ओके सो अभी मैं अपने हेयर्स को सेट करती हूँ, दीदी वहाँ पे कंघी करने नहीं देती, ऑब्वियसली खाने पे गिरेगा तो मैं मार खाऊंगी, सो अभी मैं अपने हेयर्स को सेट करके अभी आती हूँ। बूम कहेंगे पिज्जा और फ्रूटी, यो यो यो। तो ये है पनीर पिज्जा दीदी ने बनाया, नहीं है मैंने, नो दीदी ने बनाया है, सॉरी जस्ट लुक एंजॉय। सो गाइस अभी पिज्जा खा रही हूँ मैं, और ये घर का बनाया पिज्जा, थोड़ा सा खाने से पेट भर जाता है। अभी मैं दे रही थी प्रगति वर्मा जी का यूट्यूब चैनल में वीडियो, ऐसा कौन खाता है, ओके इग्नोर इट, एंड देखो मैं अलम देखती हूँ उसको दिखाने से, वो बड़ा गुस्सा कर, बड़ी गुस्सा करती है। ओके सो उनके वीडियो में आउट्रो में होता है, तो अगर आप लोगों ने ये वाली वीडियो नहीं देखी तो जल्दी देखा। मैंने क्या बोला उसमें कि एग्जाम में दीदी मैं कैसे देखूंगी, ऐसे बोल के कट कर दिया, ये बताना जरूरी था। हालत देखो, मुंह धोना पड़ेगा, और ये एक बात दिखाती हूँ मैं,
यहाँ से मुड़ के बदल दो, खत्म। ये एक चीज दिखाती हूँ आप लोगों को, एक फ्रूटी का बॉटल है ये, एक ये वो वाली फ्रूटी नहीं है हम लोग जो खाते हैं, ये एक माजा लिखा है इसमें, वो वाले फ्रूटी के मतलब हर फ्रूटी के बॉटल का नाम माजा ही होता है लिखा, माजा लिखा है माजा, किंतु अमी तो अमर तो ओरिजिनल माजा तो माजा है, तो माजा जेड थके, यहाँ पे डबल जे है और जो हम लोग नॉर्मल माजा खाते हैं उसमें डबल या उसमें जेड होता है और इसमें डबल जे है। तो ये वाला माजा ना कुछ गड़बड़ ये है कि इसके अंदर फ्रूटी की जगह भरा है, जो हम लोग लाते हैं ना एक की बोले कह दो ऑरेंज जूस, ऑरेंज स्क्वाश, ऑरेंज स्क्वाश जो होता है ना वाटर के साथ मिक्स करके खाते हैं, वही सेम टेस्ट है, क्वांटिटी भी सेम है, ना थिक है ना कुछ है, तो ये फ्रूटी बिल्कुल भी नहीं है, बट यह खाने में मज़ा आ रहा है और वही एकदम वैसा ही टेस्ट है ये वाले, मतलब ये फ्रूटी है, फ्रूटी फ्रूट माजा लिखा है, कुछ नाम अलग है, फ्रूट माजा लिखा है, बट या वहाँ के तो पापा ने बोला कि एक फ्रूटी दे दो, तो ये दे दिया, इससे लाए ले आए पिज्जा, अभी तक खत्म नहीं हुआ है।